Okay, so hi Tavneet, welcome here. So अच्छा लगा join होके. तो पहले भी हम मिल चुके हैं. Yes sir. तो ये जो session है इसका purpose है कि हम जो हमारे candidates हैं जो IT company में सोचते हैं कि हमें entrance करना है लेकिन अभी वो BTEC में है और वो final year में है या फिर third year में है लेकिन होते क्या है वो कॉलेज से तो प्लेस हो नहीं पाते हैं लेकिन इधर उधर भागते हैं इधर उधर गाइडेंस की सोचते हैं. तो हम जैसे लोग जो आईटी कंपनी में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं और बहुत बहुत वास्ट बैकग्राउंड से आते हैं तो हम लोग कुछ गाइडेंस के लिए मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं उनको गाइडेंस के लिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती थी. तो तबनीत मैं चाहूँगा पहले आप अपना इंट्रो से स्टार्ट करो कि कहाँ से आपने बीटेक किया और कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी कि आप आईटी कंपनी में एंट्री करो और कैसे आपका सफर रहा. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तमीज सिंह मनचंदा. आई डिड माय बीटेक फ्रॉम श्री राममूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. आई पास्ड आउट इट ईयर 2021 इन ऑगस्ट. Post completion of my BTech, I joined Tata Consulting Services as an assistant system engineer and I worked there for 1.5 years in the TCS banks domain, which was the banking domain of TCS. During my time at TCS, I worked with Java technologies and also with the JavaScript and many other frameworks like Jenkins and Git. But since I was looking for something else, I wanted to get out of banking domain, so I switched my company to Jio. But here I'm working as a Node.js developer and right now I'm working on React in Jio from past 6 months. Okay. तो तबनीत कैसा आपका आईटी कंपनी में एंट्रेंस हुआ? आपने बीटेक के साथ में उसकी प्रिपरेशन करी या बाद में आपने इसको? सर बीटेक के साथ साथ प्रिपरेशन तो शुरू हो जाती है. जैसे हम थर्ड ईयर से ही हमें मतलब जैसे कॉलेज की जो फैकल्टी भी होती है उनको वो भी मतलब काफ़ी इस मामले में हेल्पफुल रहती है कि वो बताना शुरू कर देते हैं कि अब आपका जो 2 साल आपने इंजॉयमेंट कर लिया अब फोकस हो जाओ. जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर आ जाता है तो वो ही गाइड करना शुरू कर देते हैं और उस टाइम सब्जेक्ट्स भी हमारे बिल्कुल वो हो जाते हैं पर पक्के वाले हो जाते हैं कौन सब्जेक्ट्स हमसे पूछे भी जाएंगे. जैसे हमारा थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत कुछ पूछते हैं. आज भी मुझे याद है मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पूछे थे. सीक्वल हमने थर्ड ईयर में ही पढ़ी थी जो कि फाइनल ईयर में हमने नहीं पढ़ी थी लेकिन थर्ड ईयर के कॉन्सेप्ट्स हमसे पूछने लग गए थे. तो ऐसे ही कुछ सब हमें जब सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा एक फील्ड सेट हो जाती है कि अब जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उस पर हमें काफ़ी अच्छे फोकस करना पड़ता है. तो मैं यही मतलब जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनको यही कहूँगा कि अब मतलब चलो 2 साल इन्जॉय कर लिए कॉलेज अब बस 2 साल की और कर लो आप मेहनत 2 साल के 3 सेमेस्टर की और मेहनत फाइनल उससे 8 सेमेस्टर में तो जैसे ही एंटर करोगे तो वो जॉब भी लग जानी है और जहाँ तक टीसी मिल के आप लोग काम भी करना शुरू कर दो इसमें एग्जाम्स देने आओगे फिर कॉलेज में. तो ये अब आपका टर्निंग पॉइंट है इसमें आप जरूर कीजिए. बाकी आपको दो अपने सब्जेक्ट्स को जरूर वो करना है. जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था. ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था. इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो आज क्या चाहे मैं 10 साल बाद भी आप मुझसे कोई मुझसे 10 साल सीनियर होगा वो भी और मुझसे बेचारा 20 साल सीनियर होगा वो भी ये बात कहेगा कि आपको एक डेटा स्ट्रक्चर जरूर पकड़ के रखना है. वो अगर आपने छोड़ दिया किसी भी आपकी एज में तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. डेटा स्ट्रक्चर्स में मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा पढ़ लो लेकिन हाँ जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ. अभी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे तो आपने एरे सुना होगा. एरे बहुत इंपॉर्टेंट है. एरे आपका हर जगह यूज होते हैं. उसके थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं लिंक लिस्ट आ जाता है. लिंक लिस्ट से हम आगे बढ़ते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट आ जाते हैं डबल लिंक लिस्ट आ जाते हैं फिर आपके ट्रीज आ जाते हैं. वो ऐसे आपके ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं डेटा स्ट्रक्चर. तो मैं यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट आपका एक डेटा स्ट्रक्चर तो पकड़ के ही रखना है. और दूसरा आपको जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है जैसे PPL हो जाता है या फिर आपका एल्गोरिथम्स हो जाता है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है या आपका कंपाइलर डिज़ाइन हो जाता है इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप पकड़ के रखिए जिसमें आपको फील्ड में जाना है. जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ ऐसे ही जो अभी सर हैं वो डेटा साइंटिस्ट में डेटा साइंस में है. तो डेटा साइंस के लिए आपको पाइथन भी इंपॉर्टेंट है. उसमें आपको इतना डेटा स्ट्रक्चर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें बिल्कुल लाइब्रेरीज आपकी अलग होती है. नंपाई होता है सेसर को पता होगा सीबॉन होती हैं ये सब लाइब्रेरीज बिल्कुल अलग होती हैं. तो अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो आप एक बार को डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रख सकते हो लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में घुसना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. ये बेसिक्स है मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन है.
यस सर, ओके। स्पेशली जो मास, एक मैं और चीज कहना चाहता हूँ, जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज होती है, जैसे आपके विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये कंपनीज में आपको अगर आपका थोड़ा प्लेसमेंट इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज बड़ी होती हैं तो आपसे वो बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछते। तो आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, आपको एक तो डेटाबेस अपने इंपॉर्टेंट रखनी है, जैसे सीक्वल डेटाबेस हो गया आपका, या फिर आप मोंगो पढ़ लीजिए, मोंगो भी बहुत आजकल ट्रेंड में है। आपने शायद टर्म सुनी होगी बर्न, तो उसमें होता है मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट और नोड, तो उसमें आपको मोंगो आजकल बहुत उसमें है। तो आपको इन दो डेटाबेस में से एटलीस्ट एक डेटाबेस थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, कि अगर आपको वो बोल दे कि जो भी आपका नाम है कि आपको एक क्वेरी लिखनी है, इसमें से मुझे टेबल्स में से आपको स्टूडेंट्स का वो करनी है, तो आपको क्वेरी लिखना आ सके, सो दैट आपको पता हो। बाकी आपको प्लेसमेंट लेना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट इन टूडेज फेस, क्योंकि आप कुछ भी देखें, आप सर भी जानते, सर भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रहे हैं हमारे, तो सर को ही पता है कि 10 में से 8 बच्चे प्लेस हो ही जाते हैं, तो आपको वो 2 में ही रहना, आपको 8 में रहना, आप तो कॉमन हो, आपको 10 वो 8 में रहना है, तो प्लेसमेंट तो हो जाता है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए उसमें। अच्छा, तो कुछ अपने आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जर्नी के बारे में बताइए, लाइक हाउ टू गेट स्टार्टेड इन दिस फील्ड, टेल मी अबाउट योर जर्नी एज एन आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर, तो मेरी जर्नी तो मतलब जैसे एक बीटेक स्टूडेंट की स्टार्ट होती है, कि हाँ फर्स्ट ईयर में एंट्री कर ली, उसके बाद फिर उसके बाद आपका सेकंड ईयर तो पता चल जाता है कि हाँ तो इसी में रहना है, उसका थर्ड ईयर में आता है तो थोड़ी सी नॉलेज बढ़ने लग जाती है कि हमें अब मतलब अब थोड़ा सा रहना है, तो उसके बाद एक अब आपको नॉलेज गेन के साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको चाहे आप एज अ फ्रेशर घुस रहे हो, थोड़ा सा आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप में मेन एक तो आपकी लर्निंग हो जाती है, दूसरा आपको वो इंटर्नशिप में आपको प्रिपेयर करते हैं कि आपको कैसे बैठना है, जैसे अभी तो कॉलेज लाइफ चल रही है आप लोगों की, आपको एक एक पीरियड होता है, आप निकल जाते हो, उसके बाद चाहे चाय पीने चलेगा, चाहे कहीं चलेगा, आप लोग चले जाते हो, लेकिन जब आपको इंडस्ट्री में आया तो आपको पता नहीं कोई एक बग मिल गया, उस पर दो दो ढाई ढाई घंटे बैठे हुए हो, तो वो सब के लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है, जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स जनरली थर्ड ईयर में या फिर सिक्स सेमेस्टर से करना शुरू कर देते हैं, सिक्स या सेवन सेमेस्टर से, क्योंकि एक तो आप उससे आपकी लर्निंग हो जाती है और आपको एक फोकस्ड हो जाते हो कि आपको किस में घुसना है। मेरा डेटा साइंस में थी इंटर्नशिप जो मैंने की थी, हाउएवर मैं उसमें नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा उसके बाद मैं जब टीसीएस में गया तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में डेटा साइंस में नहीं दिया, तो उसमें इतना मुझे उसका रिग्रेट भी नहीं है कोई, क्योंकि अब मैं इसमें खुश हूँ इस फील्ड में। लेकिन जब आप एक बार इंटर्नशिप कर ली तो आपको इंटर्नशिप बहुत अच्छे तरीके से करनी, कि हाँ आपको एक तो उससे वो हो जाएगा अपने थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के सॉरी सिक्स सेमेस्टर में, सो दैट आपको जब फाइनल सेमेस्टर में एंटर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो। दूसरा आपको इंटर्नशिप के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि वो ऑफलाइन इंटर्नशिप के लिए जाएं या ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए जाएं, क्योंकि जब ऑनलाइन मैं देखता हूं कि 90-80% जो स्टडी है वो क्या होती है, वो वेस्ट चली जाती है, वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती, बच्चा उतना सीख भी नहीं पाता है, वो आई गई हो जाती है, बच्चा कैमरा ऑन करके बैठा हुआ है, तो फिर भी ऑनलाइन ज्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन की तरफ आप देखना चाहते हो? मैं पर्सनली बोलूंगा ऑफलाइन, क्योंकि मेरा तो मैं तो 2020 में मैंने वो की थी, तब तो कोविड रूल पीक पे था, तो मेरी तो मजबूरी थी मुझे ऑनलाइन ही करनी पड़ी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मौका मिल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन में से तो आप ऑफलाइन जाएं। एक तो आप जब आप अपने क्लासरूम में बैठेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन भी दिखेगा कि हाँ मुझे इससे बेटर करना है या मुझे मेरी क्लास से बेटर करना है, आपको कॉम्पिटिशन भी दिखेगा। दूसरा आपको ये पता चलेगा कि हाँ कैसे एज अ टीम आप वर्क करते हो, क्योंकि आप वहाँ पे आपको चार चार लोगों को प्रोजेक्ट्स में बांट देंगे और फिर आपको ये होगा कि हाँ प्रोजेक्ट्स में चारों लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपकी ऑनलाइन इंटर्नशिप होती है तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी ऐसा था, हमारे प्रोजेक्ट होते तो ऑनलाइन में ये लगता था कि चलो एक तो सुनी रहा है वो हमें समझा देगा, लेकिन अगर आप जब वहाँ पे बैठे हो तो आपको पता है कि हाँ आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, या आप मतलब अगर आप नहीं वो दोगे तो आपको क्या कहते हैं क्लास से बाहर भी निकाला जा सकता है, ये भी डर रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इंटर्नशिप सिंसियरिटी लेवल ऑफलाइन में ज्यादा रहता है, चीजें समझने भी ज्यादा उसमें आती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि जैसे मतलब कौन कौन सी की स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं दैट आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को होने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत है और मतलब वो वहाँ पे इसको रिक्वायर्ड होंगी एंट्री करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी, जो सबसे मुश्किल होता है डेवलप करना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है।
आज के डेट में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे पास कोई वर्क है, आप उसे टाइम टू टाइम नहीं ऑफर कर रहे, उसे डिलीवर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे लर्न एंड लर्निंग एज वेल। लर्निंग का मेरा मतलब ये नहीं कि आप रोज ही कोई नया टॉपिक पढ़िए, लेकिन नहीं, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है वीक में एक बार या 2 वीक्स में एक बार, आप कुछ ना कुछ नया देखिए कि हाँ दुनिया में चल क्या रहा है, कि डिमांड क्या हो रही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल AI बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड में है, काफ़ी लोग जॉब्स भी अपनी मिस कर रहे हैं AI की वजह से, अपनी जॉब, जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया आपका, उसके चैट बॉट्स आ गए हैं, फिर उसका आपका कस्टमर और मतलब आपका जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, इवन की KYC तक AI कर लेता है। KYC के लिए भी पहले जो एक इंसान जाता था वो भी अब AI वो कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको आपको अपने आपको इंडस्ट्री रेडी रोज करना पड़ेगा, आपको हर महीने में एटलीस्ट 15 दिन में एक बार को देखना पड़ेगा कि क्या चीजें नहीं आ रही हैं। अब मुझे याद है, मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे रिएक्ट मैंने पढ़ना शुरू किया 1 महीना हुआ, रिएक्ट में दूसरा उसका वो भी आ गया, अपडेट भी आ गया। तो ऐसे जैसे जब जब टेक्नोलॉजी आपको आगे बढ़ रही है तो हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर हम पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक डिलेमा की कंडीशन आती है कैंडिडेट के पास में, फिर वो ना एक पजल काइंड ऑफ में चला जाता है कि वो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, SQL की तरफ फोकस करें, या फिर डेटा साइंस, ML और क्लाउड की जैसे रीसेंट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी को अप्रोच करें। ये चीज मेरे साथ भी आई थी, जब आप इस टाइम थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आपका जो फर्स्ट वो होता है वो प्लेसमेंट का होता है। मुझे अगर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर मास रिक्रूटर में जाते हो तो जैसे मैं TCS में ज्वाइन हुआ था, मेरी मास रिक्रूटर मेरी डेटा साइंस थी, लेकिन उन्होंने मुझे डेवलपमेंट डाल दिया, हालांकि बुरी फील्ड वो भी नहीं थी, लेकिन जो मुझे फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस थी वो नहीं मिल पाई। तो इसमें आपको आ जाता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड आप इंडस्ट्री में आप उनके एम्प्लॉई हो, वो आपको अपने हिसाब से करेंगे। अभी तो जैसे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप 2 साल के बाद एक्सपीरियंस के बाद आप बोलो कि हाँ मुझे डेटा साइंस जाना है, तो आपको डेफिनेटली डेटा साइंस जॉब मिलेगी, या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाना आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपका उस टाइम एक्सपीरियंस होगा शो करने के लिए। और दूसरा, लेकिन जब आप एज ए फ्रेशर हो तो आपको पिक एंड चूज आई वुड सजेस्ट नहीं करना चाहिए, जो इस खास करके इस टाइम पे जो 2023 आप देख ही रहे होगे, बड़ी बड़ी कंपनीज मास में ले ऑफ कर रही हैं, जो मास में हायरिंग करती है वो मास में ले ऑफ कर रही हैं। अभी तो जो सबसे बड़ी एडटेक कंपनी थी इंडिया की बायजूस, उस पर मतलब अभी कल एक न्यूज आई कि ऑडिट, मतलब उनके ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, दैट मीन्स कि दैट कंपनी इज नियरली गोइंग बैंकक्रप्ट। तो इस टाइम तो आपको जो मिल रहा है, टेक इट एज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट कि नहीं मुझे पिक एंड चूज करना है, मुझे नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना, मैं यहाँ पे जाऊँगा, नहीं मुझे इस पैकेज पे नहीं जाना। जो इस टाइम को मिल रहा है जस्ट ग्रैब इट, बिकॉज द मार्केट इज वेरी लो एट दिस मोमेंट एंड इट विल ग्रेजुअली गो अप। इस सिर्फ ये 6 मंथ्स की और बात है, 2024 में एवरीथिंग विल बी गुड, बट इस टाइम जो आपको मिल रहा है गो फॉर इट। डेटा साइंस नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आपको जब 1 साल का 1.5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, आप अपनी उसी फील्ड में आराम से जा सकते हो। मतलब अभी चूजर्स और बैगर्स वाली कंडीशन से हमें बाहर आ जाना चाहिए कि मतलब हमें ये पैकेज मिल रहा है तो हम क्यों ज्वाइन करें, या ये पैकेज हमें नहीं है तो, है ना। तो कभी कभी सर यही हो जाता है, लोग अपनी ईगो के चक्कर में हो जाते हैं। मैंने एक थोड़े दिन पहले एक लिंक्डइन पे चीज देखी थी, वो शायद पता नहीं जैसे एक मीम ही होता, आजकल मीम्स जैसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं, वैसे लिंक्डइन पे एक्सेंट डाला हुआ था कि दो स्टूडेंट्स थे, दोनों वो क्वालिफाई हो गए, एक को चाहिए थी 50,000 की नौकरी फर्स्ट डे से, दूसरे ने 20,000 पे ज्वाइन कर ली। 5 साल बाद दोनों मिलते हैं, एक कमा रहा होता है 1 लाख रुपए, दूसरा वो 50,000 ढूंढ रहा होता है। तो यही होता है, आप जब अपने आपको जब तक अपस्किल नहीं करो, अपस्किल आता है एक्सपीरियंस से, जब तक एक्सपीरियंस ही गेन करोगे, आपके अंदर टैलेंट है तो आप वैसे भी उसको 8,000 को 80,000 बना लोगे, उसमें कोई दो रही है। पहले टैलेंट सीखो, पहले काम सीखो, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा होता है, उनके टर्म्स कैसे होते हैं, KT sessions perform कैसे होते हैं, ये सब हमें पहले सीखना चाहिए। Okay, so what advice do you give to aspiring IT software engineers who are just starting their careers? Like उनको cloud ML जैसे high technology choose करना चाहिए, या web development में या website designing में जाना चाहिए, या फिर basic data structure करके एक testing की job भी कभी कभी market में offer होती है। तो उसके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं बस स्टार्ट करना है, तो कोई भी ज्वाइन कर लो, एज ए वेब डेवलपर, एज ए डेटा टेस्टर, या मैंने तो बहुत सब लोग के देखा है डेटा एंट्री की जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं IT कंपनी में, तो वो बहुत पैथेटिक सिचुएशन होती है। हाँ, डेटा एंट्री की भी मैंने देखा लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, पता है, लेकिन मतलब यही होता है कि आपको उस टाइम जब आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए तो आप ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन हाँ डेटा एंट्री आई वुड सजेस्ट कि मत ही करना, क्योंकि मतलब लेकिन अगर आपको बहुत मजबूरी नहीं है जैसे कि हाँ, तो
तो एक महीना वेट कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि डेटा एंट्री की जॉब तो आपको एक महीने बाद मिल जाएगी, उनमें तो हायरिंग होती रहती है। लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे आपको लग रहा है कि मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है या AWS में जाना है या डेटा साइंस में जाना है, तो वहाँ पे आपको पिक एंड चूज का मौका फिलहाल मैं कहूँगा एज अ फ्रेशर आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत आप लकी होंगे कि आपको सब आप ML पढ़ते हो, आपको इंटरेस्ट है ML में, तो आपको ML में ही जॉब मिल गई। जैसे मेरा एक बैचमेट था, वो ही वॉज लकी दैट ही गॉट टू इन टू अ स्टार्टअप जिसमें लोग बहुत कम थे, 40 लोग थे उस टाइम जब वो स्टार्टअप में गया था, तो उसको ML का इंटरेस्ट था, उसे ML में ही डाल दिया, तो ही गॉट लकी। विद स्टार्टअप्स यू गेट लकी बिकॉज उनके पास हेडफोर्स कम होती है, तो वो लोग आपको खुद ही कह देते हैं कि आपको जो चाहिए, जो आपको करना है आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि उनको अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कराना होता है। वहाँ पे 10,000 लोग नहीं होते उनके पास स्टैंड बाय के लिए, कि अगर आपको टाइम लग रहा है सीखने में तो 10,000 लोग और हैं वहाँ पे, तो 40 से 40 को ही करना अच्छे तरीके से, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी का एक्सपीरियंस एक अलग होता है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड जो मल्टीनेशनल कंपनी उसका एक्सपीरियंस अपने में अलग होता है। यस सर। तो लाइक सो आप अपनी जर्नी स्पेसिफिकली, मतलब कैसी आपकी जर्नी रही, कैसे आपने तैयारी करी, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, ना केवल अभी एक्सपीरियंस के तौर पे जैसे आपने कंपनी अभी रिसेंटली चूज करी है, या फिर एज ए फ्रेशर जब आप एंट्री कर रहे थे TCS में, तब उन्होंने कैसे, मतलब बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक कौन कौन से उन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछे और कैसे आपने उसका रिस्पॉन्स दिया? सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो जो एज ए फ्रेशर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उतना ही आता है जितना आपने बीटेक में पढ़ा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आप अपने जो रिज्यूमे में लिख रहे हो, अगर आप चाहे 4 चीज़ें लिख रहे हो चाहे आप 10 चीज़ें लिख रहे हो, लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट 10 थिंग्स यू नो और दैट 4 थिंग्स यू नो। ये नहीं कि आप 10 लिख रहे हो आपको 4 ही आती है, वहाँ पे आपका पॉइंट वो हो जाएगा। जैसे आई वॉज लाइक मुझे SQL उस टाइम अच्छी तरीके से आती थी, तो मैंने SQL लिखा था उसमें, और मुझसे उन्होंने SQL के क्वेश्चन पूछे कि तमीत वॉट इज डिस्टिंक्ट कीवर्ड, या देर आर आई एम गिविंग यू टू टेबल्स, यू हैव टू जॉइन दोस टू टेबल्स। जैसे जो लेफ्ट जॉइन उन्होंने मुझसे पूछा था, लेफ्ट जॉइन का क्वेश्चन पूछा था और राइट जॉइन को पूछा था कि इसको कैसे करेंगे। कुछ उस पे राइट डाउन करने के लिए या बस ओरली कम्युनिकेशन था? ओरली उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तमीज मतलब अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए एंड जस्ट राइट द क्वेरी ऑन द नोटपैड। तो उन्होंने मुझसे क्वेरी, हां जी, उन्होंने क्या बताया था जी सर, हाँ उस टाइम तो 2021 की बात था, तो उस टाइम तो कोविड पीक पे था। हाँ जी, आज भी इवन की जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था हेयर एट जियो, दैट वाज आल्सो ऑनलाइन। सो वो लोग बस उनको आपको ये बताना होता है कि आपको आता है, आप 10 में से 7 क्वेश्चन सही आंसर दोगे तब भी आपका प्लेसमेंट होगा। ये नहीं कि अगर आप सोचो मेरे 3 गलत हो गए तो मुझसे मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। दे विल हायर यू, दे आर जस्ट टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर नॉलेज। और आफ्टर 5 इंटरव्यूज के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और सारी कंपनी मोरल ऐसे एक ही तरह के क्वेश्चन पूछती है। यस सर, उनके सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको सही तरीके से वो करें। अच्छा, दूसरी चीज ये, जैसे हाँ बताओ मैंने जैसे पहले ही बोला था कि 10 में से 8 लोग प्लेस हो जाते, तो आपको तो आप तो कॉमन में हो ना, आपको दो में रहना ही नहीं है, दो वाले रेयर हो गए जिनका नहीं हुआ प्लेसमेंट। तो इतनी कोई बस ये है, जैसे इवन कि मेरा भी जब मेरे बैचमेट भी थे, मेरा मुझे याद है दिसंबर 2020 में प्लेसमेंट हो गया था, तो उसके बाद मतलब होने लग गया था कि लोग मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको लगने लग गया था अब हमारा भी हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उनका विद इन वन मंथ हो गया या 2 मंथ हो गया, ऐसा नहीं था, कुछ तो ऐसे थे मेरा मुझसे बात प्लेसमेंट हुआ लेकिन उनको ज्वाइन मुझसे पहले आ गई। तो बस मैं उनको जो भी वो है मेरे जूनियर्स है या फिर जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, उनको ये कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है। अगर आपके किसी कलीग का प्लेसमेंट, आपके बैचमेट का प्लेसमेंट आपसे 2 महीने पहले हो जाता है, तो आपको ये नहीं करना कि आपका नहीं होगा, आपका भी 100% होगा। बस आप अपने पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, अपनी लर्निंग को मत खत्म करिए कि नहीं मेरा नहीं हो रहा, मेरे 4 इंटरव्यूज में फेल हो गया तो मैं अब नहीं करूंगा। तो नहीं, वहाँ पे आपका 5वां इंटरव्यू 100% निकलेगा। मेरे भी 3 इंटरव्यू में फेल हुआ, तो उसके बाद मैं 4th इंटरव्यू निकला था। एक्चुअली हर सक्सेस के पीछे जो फेलियर होता है वो कोई नहीं देख पाता है, सब सक्सेस की तरफ ही देखते हैं। और ये बहुत होपलेस वाली कंडीशन होती है कि आपके साथ वालों का प्लेसमेंट हो गया और आपकी कंपनी में कहीं ऑफर लेटर या कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसे ही लोगों के लिए हमारे लिए ऑप्शन है कि जैसे कभी क्या होता है, 8th सेमेस्टर में कैंडिडेट हो गया, राइट, और 8th के बाद में 1 महीना 2 महीना ड्यू टू सम रीजंस या तो कंपनी के ऑफर्स आते नहीं हैं, मतलब उनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं आती है, या फिर उनको किसी रीजन से ज्वाइन नहीं करने फैमिली अलाउ करती है, बेसिकली गर्ल्स जैसे होती हैं, तो उनके साथ में क्या करते हैं वो बैंगलोर जाने के लिए, चेन्नई जाने के लिए वो लोग कंस्ट्रेंट होते हैं कि हम वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते, फैमिली अलाउ नहीं करती है।
अब वो तो प्लेस की प्लेस वहाँ प्लेस अनप्लेस की कंडीशन में ही आ गए। अब उनके पास दो चॉइस होती हैं, या तो वो एमटेक के लिए अप्लाई करें या फिर आईटी कंपनी के लिए जाएं। तो ये हम कैसे उस चीज़ को सॉल्यूशन में ला सकते हैं? अब तो सर जैसे ये चीज़ मेरे एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था, वो मतलब वो एमबीए की है, उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि उनकी भी एक ऐसी जूनियर थी, उन्होंने भी ऐसे छोड़ दिया था प्लेसमेंट कि उनको मिल रही थी कोयम्बटूर लोकेशन, उनकी बरेली से कोयम्बटूर। तो बोली सर मुझे बैंगलोर जाना था, मैं कोयम्बटूर नहीं जाना था। तो उन्होंने बोला कि आपको तो 2 घंटे का ही रास्ता है ना, आज तो सब कुछ इतना सब पास हो गए हैं विद इन इंडिया, अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप जस्ट अपने घर से 2 या 4 घंटे की दूरी पे, क्योंकि फ्लाइट सबके ऑलमोस्ट हर जगह फ्लाइट है, तो मतलब आप इतना दूर, बाकी आपकी रहेगी, आपको अगर कंस्ट्रेंट हो जाता तो आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो अपने एचआर को। मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इन द केस ऑफ गर्ल्स एचआर मान जाते हैं कि हाँ अगर आपको बैंगलोर नहीं है ओपन तो आप सिर्फ आ जाइए, अपना जो भी जो ट्रेनिंग पीरियड है 3 मंथ्स का होता है मैक्सिमम, 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का, आप वो अपना करने आ जाइए, देन वी विल अश्योर यू दैट यू विल बी गेटिंग योर प्रोजेक्ट लोकेशन एट योर नियरेस्ट ऑफिस। वो हर कंपनी इतना से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं भी मिलती कि आप, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी उस टाइम नहीं जाने चाहिए कि हाँ मुझे, आप वहाँ पे जाओ 2 महीने की बात होती है, सब कुछ सेटल हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि पैकेज कम है कैसे सर्वाइव होगा, तो नहीं, पैकेज कम मैं मानता हूँ आज के डेट के हिसाब से कम होता है कुछ कंपनीज का, लेकिन आप ये नहीं कि सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सर्वाइव सब कर लेते हैं आज के डेट में। इवन कि मेरे भी बहुत नोन थे वो बैंगलोर में गए थे, पुणे गए थे, मुंबई गए थे, दे आर सर्वाइविंग, ऐसा नहीं है। और अब तो 2 साल हो गए, पैकेज अब बढ़ ही जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ आपको कंस्ट्रेंट ये वाला ही करना चाहिए कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि अब आप तो ज्यादा दूर रह ही नहीं गए सबके घर से अपने। ये तो है, खैर शुरू की प्रॉब्लम होती है 1 महीने की 1.5 महीने की, फिर सब सेटल हो जाता है। पीजी में रह लो, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है आप रूम लेके नहीं रह सकते, है ना, इसमें तो ऐसा कोई पजल वाली चीज नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जैसे कुछ यूपी बिहार से सबके लोग आते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत हवा समझते हैं कि बैंगलोर जा रहे हैं, अरे चेन्नई जा रहे हैं, अरे ये त्रिवेंद्रपुरम है, बहुत दूर है। बट अब कंस्ट्रेंट सबके अलग अलग हैं। ऑलराइट, एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग बोलते हैं आईटी कंपनी में केवल स्किल्स देखी जाती हैं, मतलब लाइक आपको नोड जेएस आती है सो दैट सफिशिएंट, उसके लिए फिर कम्युनिकेशन जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी हो गई। तो क्या ये सच में फैक्ट है और मिथ है कि कम्युनिकेशन इक्वली वेटेज रखती है, या फिर ये सेकेंडरी प्रायोरिटी आ जाती है जब हम किसी भी स्किल्स में अच्छे हो जाते हैं? लेट्स से सपोज मैं वेब डेवलपर बहुत अच्छा हूँ, मुझे रिएक्ट जेएस भी आती है, मोंगो डीबी आती है, और मैंने 3 to 4 प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे कर रखे हैं। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात रही तो वो सेकेंडरी प्रायोरिटी पे आ गई या इक्वली वेटेज है वहाँ पर? मैं मतलब अगर आप इंग्लिश में डिफाइन कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो सेकेंडरी प्रायोरिटी भी आ सकती है, क्योंकि अगर आपको चीज़ आती है तो आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो भी इंडियन ही होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, अंटिल अनलेस आर यू गोइंग फॉर एन फॉरेन कंपनी, तो आपका इंडियन ही होगा जो भी इंटरव्यू है। तो लेकिन अगर आपको इंग्लिश आए दैट्स गिव यू अ बेटर एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स हु डोंट नो इट, आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है अगर आपको नो इट जेस भी आ रही है, आपको कुछ आपको स्किल सेट अच्छी है, यू माइट बी गेटिंग ऑफर फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, दैट मींस यू विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, दैट क्लाइंट कैन बी ऑफ एनीवेयर फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम, सो अगर आपको उनके सामने बोलना है तो आपको ऑब्वियसली बात है वहाँ पर तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन इज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ अगर आपको स्किल अच्छी है तो अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करो कि हाँ आपको उस लेवल तक आप लेके आओ, सो दैट अगर आपका प्लेसमेंट हो उस कंपनी में आप चले भी जाते हो और आपको कल को क्लाइंट का अपॉर्चुनिटी होती है, ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तो आपको वो उस जगह की लैंग्वेज आनी ही चाहिए ना। अगर आपको सपोज कीजिए आप यूरोप भेज दिया तब तो आप नहीं कह सकते मुझे इंग्लिश नहीं आती, बिकॉज यू हैव टू लिव विद इट। सही बात है, कंपनी अपने वर्क को जस्टिफाई करने के लिए तो कहीं ना कहीं तो सोचेगी कि इसको अपना डिस्प्ले करना है या कैसे करना है। तो हम मान के चल रहे हैं 50% या 70% जो है वेटेज रखता है कहीं 70% स्किल्स, क्योंकि अगर हम साउथ की तरफ मूव करें तो वहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी इटसेल्फ, मतलब बहुत उनको भी समझ में नहीं आती है। अगर आप बैंगलोर से आगे और साउथ में चले जाओ त्रिवेंद्रम में, वहाँ तो बिल्कुल ही खत्म है हिंदी, फिर आप अपनी बात वही वही पे, इंडिया का मेन आईटी सेक्टर ही वहीं पे साउथ में ही है। हाँ, तो आप एक और आप,
आपको अगर वर्क फ्रॉम होम भी करना है तो जो ओरिजिन कंपनी है वो तो सब साउथ की ही मोस्टली होंगी, बेंगलोर और इधर गुड़गांव, गुरुग्राम और नोएडा में तो काफ़ी कम है मैंने देखा है। ओके सो अब हम कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की तरफ देखेंगे कि उनके एम्फेसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि उनको 6 महीने का एक्सपीरियंस हुआ, उनको 8 महीने का एक्सपीरियंस हुआ और फटाफट उन्होंने क्या करा, कंपनी चेंज कर दी। उन्होंने 8 महीने 9 महीने भी काम नहीं किया और वो कंपनी उन्होंने चेंज कर दी ड्यू टू सम रीजंस। हो सकता है उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं हो, हो सकता है उनको उतनी वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही हो, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से, वट एवर द रीजंस आर देयर, उन्होंने कंपनी स्विच कर दी विद इन 6 मंथ्स और 7 मंथ्स। तो क्या ये उसके करियर के लिए अच्छा है या उसको मतलब क्या सजेशन एग्जैक्टली क्या उसके लिए डिसीजन मेकर्स होना चाहिए? अगर जैसे फर्स्ट कंपनी आपने स्विच कर ली विद इन 6 मंथ्स या अंडर एन ईयर या फिर 1.5 साल बाद भी स्विच की तो दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन डोंट मेक इट एज अ हैबिट कि हाँ हर मैं 6 मंथ्स में या फिर 8 मंथ्स में दोबारा कंपनी ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक कंपनी स्विच करेंगे दैट्स ओके, दूसरी कंपनी स्विच करोगे आप दैट्स ओके कि आपने 2 साल में 2 कंपनी स्विच कर ली, लेकिन जहाँ पर थर्ड कंपनी इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा व्हाई वर यू नॉट स्टेबल, यहाँ पे आपको एंड देन वो आपको जस्टिफाई करना आपके जितना सीवी में लिखा है वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आपको अपनी स्किल सेट आप जस्टिफाई कर लोगे लेकिन आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको आपने 2 साल में 2 कंपनी को स्विच कर ली। क्योंकि आपके वहाँ पे आपके पास बात आ जाती है कि चलो फर्स्ट टाइम में आपको आपकी बात मान गई कि आपको प्रोजेक्ट अच्छा ही मिला था या आपका एनवायरमेंट टॉक्सिक था, सेकेंड टाइम में आपको ये बात मान गई, लेकिन थर्ड टाइम में आपको फिर कंपनी जो सिंपल सी बात है एचआर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही बोलेगा कि अगर आपको यहाँ पे भी वो यहाँ पे आपका एनवायरमेंट पसंद नहीं आया तो आप तो हमें छोड़ के चले जाओगे, देन वाई शुड वी हायर यू, और वो वाई शुड वी हायर यू इज जस्ट इक्वलेंट टू वी आर नॉट हायरिंग यू, जब वो वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आप इतने अनस्टेबल हो। तो मैं यही कहूँगा अगर आपकी फर्स्ट कंपनी स्विच कर ली दो से, लेकिन अब जब आप थर्ड कंपनी में या फिर सेकेंड कंपनी हो जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम 1.5 ईयर 2 ईयर्स, उसके बाद तो अंडरस्टूड होता है कि हाँ कोई भी इम्प्लॉय है वो स्विच करेगा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हाँ हर 6 मंथ्स में 8 मंथ्स में डोंट डू इट, यू विल रिग्रेट इट। फिर कंपनी भी बहुत एफर्ट करती है रिक्रूटमेंट के लिए, केटी सेशन चलाती है, ट्रेन करती है कैंडिडेट्स को, उसके बाद में प्रोजेक्ट्स भी करती है और फिर वो एक ही प्रोजेक्ट कई कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए यूज होता है, तो वो भी चाहती है कि हमारे साथ जो हमारा एम्प्लॉय है वो बहुत लंबे टाइम तक बना रहे। और फिर कंपनी के भी अपने कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं जैसे ISO सर्टिफिकेशन, उसमें वो रिटेंशन रेट बोलते हैं कि आपके कितने एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक रिटेंशन है, तो उनका रिटेंशन जो रिकॉर्ड है वो भी ख़राब होता है। तो आप कंपनी नेक्स्ट यही सोचती है कि आप भी हमारे यहाँ के हमारा रिटेंशन रेट ख़राब करोगे। ओके सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू सजेस्ट फॉर द कंपनी, लाइक व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज, और मतलब एक IT कंपनी में एंट्री करने के लिए क्या क्या और नेसेसरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप कुछ भी हमारे कैंडिडेट्स को बोलना चाहोगे और कुछ ऐड करना चाहोगे? मतलब जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं, हाँ जो फ्रेशर्स हैं उनको तो यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना बस अपने आप को कंसिस्टेंट रखें और पेशेंस रखें। ये नहीं होता कि अगर आपका प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ तो 2 महीने बाद भी नहीं होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि कंपनीज बहुत है इंडिया में नहीं है तो इवन कि अब्रॉड से कंपनीज भी यहाँ पे आके सेटल हुई हैं, तो कंपनीज तो आपको बहुत है, आराम से आपको प्लेसमेंट मिलेगा। एक्सपीरियंस वो लोग के लिए मैं जो जिनको अभी 6 मंथ्स का 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो उनको मैं यही कहूँगा अगर आप स्विच करने की सोच रहे हो अनटिल अनलेस द पैकेज इज टू मच गुड, टू मच जैसे टू मच का मतलब जैसे आपको 100% हाइक मिल रही है फिर 80% हाइक मिल रही है देन ओनली गो फॉर इट, एल्स जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड डेवलप योर स्किल इन दैट सेम कंपनी ओनली। कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर आप 9 to 6 वर्क करके आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ मुझे 4 चीज़ें लर्निंग का मौका मिल रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि पता नहीं है ना आपको जो नेक्स्ट कंपनी में चलेगा वहाँ पे आपको हो सकता है 9 to 9 वर्क करना पड़े, तो आपकी जो वो 3 आवर्स की लर्निंग थी अपनी पर्सनल लर्निंग वो खत्म हो जाएगी। सो तभी मैंने कहा अगर तो बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है लाइक यू आर अर्निंग 4 लाख्स इन दिस कंपनी एंड गेटिंग 8 लाख ऑफर जस्ट गो फॉर इट, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे 4 लाख्स का 5.5 लाख मिल रहा है तो आप यहीं पर थोड़ा टाइम और दीजिए, क्योंकि अगर आपको 6 महीने 5.5 लाख मिल रहा है तो आपको 1 साल 1.25 साल बाद 8 लाख मिलेगा 100% मिलेगा, क्योंकि आपको आप उतने लेवल तक अपग्रेड हो चुके होंगे। बाकी एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपने जो
टीचर्स हैं उनका भी मतलब आप लोग बिल्कुल जो भी आपके कॉलेज फैकल्टी हैं उनकी बात ज़रूर माने, ऐसा मत समझे कि मैं बोल मतलब क्योंकि मैं भी उनकी बात हमें भी एज अ स्टूडेंट लगता था कि शायद इनको तो इतने साल हो गए मतलब ये इन्होंने बीटेक हमसे 12 साल पहले की थी, आज का ज़माना चेंज हो गया। नहीं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट हर दिन करती है अपने आप को। वो उनको 12 साल पहले उन्होंने बीटेक की तो उन्होंने जब प्लेसमेंट लिया तो उनके लिए भी उतना टफ था इतना हमारे लिए टफ है आज, उनके लिए उतना ज़्यादा टफ था, वे कंपनीज कम थी तो उन्होंने अगर प्लेसमेंट लिया है तो जस्ट रिस्पेक्ट देम, उनकी बात सुनिए। अगर आप उनकी बात सुनोगे तो आपका 100% प्लेसमेंट होगा। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के तमनीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस लास्ट एक और मेरा ये था कि आप कोई स्पेसिफिक वेबसाइट का नेम बता सकें कि यहाँ से कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए, या कोडिंग की कोई स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कोई वेबसाइट का नेम स्पेसिफिक वहाँ पे जाके उसे। हाँ जी, मतलब ऐसे तो बहुत हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो इंडिया फेमस है जिस जो मतलब प्लेसमेंट भी साथ से कराते हैं प्लेसमेंट प्रोग्राम्स, आपकी कोडिंग निंजाज हो गई, हैकर अर्थ हो गई, हैकर रैंक हो गई, इसके अलावा कैगल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। जैसे आपको डेटा साइंस के कॉम्पिटिशन चाहिए तो आपको कैगल पे बहुत सारे मिल जाते हैं, और भी आपके बहुत सारे हैं जैसे न्यूटन स्कूल है, वो लोग आपको साथ साथ प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी कराते हैं, एंड देन आपको ये स्पॉन्सर नहीं है वो आपको प्लेसमेंट भी कराते हैं, उसके साथ आपके कोडिंग, ये तो ट्रू है, न्यूटन स्कूल्स वालों की बहुत अच्छी वो है, बहुत अच्छे उनके कोर्स स्ट्रक्चर है, मैंने भी देखा है उनको। बाकी आपको इसके अलावा अगर आपको आपको लग रहा है कि हाँ मुझे जैसे अगर आपको किसी स्पेसिफिक में घुसना है तो आप एक मतलब आप साइड बाय साइड कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, लाइक Coursera offers many certification courses from IIT Kanpur, even from Massachusetts. They offers you very nice courses which are of 6 months or 8 months. तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं BTech के साथ से उसको भी कर सकता हूँ तो आप उसको भी ज़रूर grab कीजिए, so that आपको एक certification मिल जाएगा, and then the company जिसमें आप जाना चाह रहे हैं वो शायद देखे कि हाँ इसने certification भी किया हो इस company, तो शायद आपको जो आपका मनपसंद project है वो ही मिल जाए। थैंक यू तवनीत, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत कुछ जानने को मिला, इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी थी जो आपने दी, और थैंक यू, हम मिलते रहेंगे। थैंक यू, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू सेंड अस और आर यू वांट टू शेयर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, अदरवाइज वी शुड एंड अप दिस मीटिंग। बस सर आपका थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी सर, इतने मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इतने टाइम बाद। ठीक है, ओके, थैंक यू तवनीत, bye, have a good day. Bye sir, have a nice day sir.